दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी किताब है जो कि भविष्य बताती है। इसका नाम है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में भविष्य देखना संभव है। वेद भारत की आत्मा है। वेदों में जो ज्ञान है वह संसार में किसी और पुस्तक में नहीं है। वेद ज्ञान का भंडार है जिन्हें जगत पिता ब्रह्मा द्वारा रचा गया था। वेद की भाषा और मर्म पुराणों के बगैर समझना नामुमकिन है। यह पुराण भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा और महानतम संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। महर्षि वेदव्यास ने जनमानस के कल्याणार्थ ब्रह्मा द्वारा मौलिक रूप से रचित पुराण का पुनर्लेखन और संपादन किया और इसके श्लोकों की संख्या 100 करोड़ से घटाकर 4 लाख तक सीमित कर दी थी। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक पुराण है भविष्य पुराण। यह पुराण अन्य सभी पुराणों से सर्वथा भिन्न है। भविष्य पुराण में ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो चमत्कार से कम नहीं है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक भविष्य पुराण और इस पुराण का नाम सुनकर ही ये समझ आता है इसमें भविष्यवाणी लिखी होगी। सनातन धर्म के विद्वानों का मानना है भविष्य पुराण में 50,000 श्लोक हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ जैसे धर्म गुरुकुल शिक्षा और सनातन सभ्यता का पतन होता गया, वैसे वैसे हजारों साल पुराने ग्रंथों वेदों और पुराणों में लिखी बातें धूमित होती गई और पुराणों के ज्यादातर अंश विलुप्त हो गए थे। वर्तमान में भविष्य पुराण में सिर्फ 129 अध्याय और 18,000 श्लोक बाकी रह गए हैं। इसका मतलब है ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं और भविष्य में घटने वाली थी जिसे इंसान पूरी तरह अनभिज्ञ हो चुका है। भविष्य पुराण में भविष्यवाणी के अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे विक्रम और बेताल के बीच हुए संवाद की गाथा का वर्णन, साथ ही आयुर्वेद, आदिकालीन भारत के तीर्थ स्थल, धार्मिक उपदेश, नित्य कर्म, सनातनी संस्कृति और संस्कार को परिभाषित किया गया है। भविष्य पुराण में सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है कि इसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का साफ स्पष्ट शब्दों में बताया गया है तथा भविष्य पुराण में जिस विस्तार से भारत के आधुनिक इतिहास का वर्णन किया गया है वैसा किसी भी पुराण में नहीं किया गया। पुराण में बीते इतिहास के बारे में इतनी डिटेल में बातें की गई हैं कि इतिहासकारों को भी इतिहास लिखने के लिए भविष्य पुराण से आधार लेना पड़ा। आपको बता दें कि भविष्य पुराण को सौर पुराण भी कहते हैं क्योंकि इसमें भगवान सूर्य के आकार, कृपा, महत्व और सूर्य देव की पूजा उपासना का वर्णन है। क्या आपको पता है भविष्य पुराण में कलयुग के बारे में क्या लिखा है? भविष्य पुराण में कलयुग के बारे में जो लिखा है वह जानकर आपका सिर चकरा जाएगा, क्योंकि वेदव्यास द्वारा लिखे गए भविष्य पुराण में कलयुग को लेकर जो लिखा गया है वर्तमान में कुछ वैसा ही होने लगा है। भविष्य पुराण में लिखा है कि कलयुग में वेदों को नहीं माना जाएगा, विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा, शिष्य गुरु की इज्जत नहीं करेगा, बेटा बाप की सेवा नहीं करेगा, ना ही पुत्र धर्म अपनाएगा, जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा, लोग अपनी कन्या बेचकर पैसे कमाएंगे। वेदव्यास कहते हैं कि कलयुग में थोड़े से ही पैसों का इंसान को घमंड होगा, स्त्रियों को धनी लोग ही अच्छे लगेंगे और वह गरीबी पुरुषों को त्याग, दान पुण्य नहीं होगा, बुद्धि सिर्फ पैसों को जुटाने में हो, कलयुग में सदा अकाल पड़ता रहेगा, वर्षा होना बंद हो जाएगी, राजा प्रजा को लूटेगा, मनुष्य की उम्र धीरे धीरे कम होती जाएगी और भगवान की भक्ति ऐसी होगी जिसका कोई विधान नहीं है। ऐसा कहा गया है कि धरती में मनुष्य के कारण महाप्रलय आएगा, हत्यारों की भी हत्या होगी और लोग बुढ़ापे से परेशान रहेंगे। ऐसी अनेक बातें इस पुराण में विस्तार में लिखी गई हैं जिसके लिए आपको भविष्य पुराण को पढ़ना चाहिए। इसमें यह भी लिखा है कि धरती का अंत कैसे होगा। भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जब धरती के जीवन का अंत होगा तब गंगा नदी धरती से सूख जाएगी, खेत उपजाऊ नहीं रहेंगे, गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पानी पीने के लिए भी नहीं होगा और धरती जलमग्न हो जाएगी। यह सब कलयुग के 10,000 साल बाद होगा। तब विष्णु भगवान के अवतार कलिक का जन्म होगा जो सारे बुरे लोगों का सर्वनाश कर देगा और जब कलिक अवतार होगा तब इंसान की उम्र 20 वर्ष और कद बौना हो जाएगा। जिस प्रकार धरती के मनुष्य जीवन के अंत के बारे में भविष्य पुराण में लिखा गया है अगर उसे वर्तमान की परिस्थितियों से जोड़कर देखें तो वह सही साबित होता है, क्योंकि गंगा नदी के बीते कई सालों में काफी ज्यादा दूषित और सूख चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसका परिणाम भविष्य में मानव जाति को भुगतना ही पड़ेगा तथा कलयुग अवतार का संबंध हम काले साए से भी कर सकते हैं। शायद भविष्य में पृथ्वी में ऐसे बदलाव हो जाएं कि धरती में अंधेरा छा जाए। आपको पता है आपको भविष्य पुराण क्यों पढ़ना चाहिए? भविष्य पुराण सहित बाकी पुराण और ग्रंथ कुछ पन्नों की छोटी सी किताब नहीं है। ये सनातन धर्म के बुद्धिमान पूर्वजों की महानता की एक गाथा है जिसमें उन्होंने अपना ज्ञान आने वाली पीढ़ी के लिए लिखा है। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने सनातन धर्म की लाखों ऐसी किताबें, वेदों, पुराणों और ग्रंथों को नष्ट कर दिया, और अगर आज वह हमारे पास होती तो भारत पहले की तरह विश्वगुरु होता। भविष्य पुराण इतना व्यापक है कि इसका संपूर्ण सारांश किसी लेख में उकेरा नहीं जा सकता, इसलिए इस पुराण को गहराई से जानने के लिए इसे पढ़ना होगा, क्योंकि वेदों व पुराणों से ज्यादा ज्ञान इस संसार की किसी भी किताब में नहीं है। क्या आपको पता है कहाँ मिलेगा भविष्य पुराण? बदलते समय के साथ साथ लोगों ने इस पुराण को भी कई हिस्सों में तोड़ा मरोड़ा और देखा जाए तो रामायण भी अलग अलग प्रकार की है,
जिसमें लेखक ने कई घटनाओं में अपने मन से बदलाव किया है। वर्तमान समय में संपूर्ण पुराण मिलना तो संभव नहीं है, मगर शेष 18,500 श्लोक की भविष्य पुराण गीता प्रेस या फिर आपके शहर में किसी धार्मिक किताब बेचने वाली दुकान में मिल सकती है, तथा गूगल प्ले स्टोर और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में भी भविष्य पुराण डाउनलोड किए जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।